हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स। आज हम अपना चैप्टर 5 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम 5.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें उससे पहले एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है, एंगल्स। राइट एंड स्ट्रेट, राइट एंगल्स कौन से होते हैं और स्ट्रेट एंगल्स कौन से होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, फिगर दिखाई दे रही है आपको, एक नॉर्थ टू साउथ ईस्ट की जा रही है ये लाइन, ये आपका राइट एंगल बनाती है। माने 90 डिग्री जो होता है वो आपका राइट एंगल होता है, एंड 180 डिग्री जो होता है वो आपका स्ट्रेट लाइन होती है। तो आप जानते हैं कि अगर आपका फेस नॉर्थ की साइड है और आप उसे ईस्ट की साइड कर लेते हैं, तो आपका फेस 90 डिग्री टर्न करता है, मैंने राइट एंगल टर्न करता है। एंड अगर आप अपना फेस नॉर्थ से साउथ की तरफ टर्न करते हैं, तो आपका फेस 180 डिग्री टर्न करता है। और अगर आप पहले नॉर्थ से ईस्ट, फिर ईस्ट से साउथ, और ऐसे ही साउथ से वेस्ट, और ऐसे ही वेस्ट से नॉर्थ फेस टर्न करते हैं, तो वो आपका कंप्लीट एंगल बन जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये आपका कंप्लीट एंगल बन रहा है, ये आपका जैसे आपकी क्लॉक होगी है, और आपकी अगर उसकी जो मिनट हैंड है या हॉर हैंड है, अगर वो 12 पे है और वो 12 से घूम के 3 पे आ जाए, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 एंड यहाँ 9। तो अगर ये 12 से घूम के 3 पे आ रही है, तो ये राइट एंगल पे जा रही है। ये सीधा 12 से 6 पे आ रही है, तो ये 180 पे आ रही है। और अगर ये मिनट हैंड घूम के सीधा 12 पर जा रही है, तो ये आपका कंप्लीट सर्कल पूरा करती है, माने कंप्लीट एंगल बनाती है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि फ्रॉम 12 टू 6, अगर कोई आपकी मिनट हैंड या हॉर हैंड 12 से 6 पर जा रही है, तो आप क्या देख सकते हैं, ये पूरा 180 डिग्री टर्न कर रही है। तो इसमें आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन, ये पूरे रिवॉल्यूशन का हाफ है, या फिर आप इसको टू राइट एंगल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पहले 3 पे भी जा रही होगी, तो एक राइट एंगल ये रहा और एक राइट एंगल ये रहा, तो आप इसको टू राइट एंगल्स भी बोल सकते हैं। ऐसे ही आपकी जो सेकेंड वॉच आप देख रहे हैं, इसमें ये 6 to 9 जा रही है, आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री पे टर्न कर रही है, तो आप इसको 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, किसी पूरे रिवॉल्यूशन का, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि पूरा एक चक्कर का आप ये 1/4 पार्ट है, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 1 राइट एंगल। इसके बाद हम आते हैं फ्रॉम 1 to 10, जो ये आपकी हॉर हैंड है या मिनट हैंड है, ये 1 से 10 तक रिवॉल्व कर रही है, तो आप देख सकते हैं इसके बीच में सिर्फ 3 घंटे हैं और इधर आपके 9 घंटे हैं। इसका मतलब ये पूरे रिवॉल्यूशन का 3/4 पार्ट कवर कर रही है, क्योंकि एक पार्ट अगर आप बनाएंगे, तो एक पार्ट ये बन जाएगा और एक पार्ट ये बन जाएगा, तो ये 90, 190, 290 एंड 390, तो ये 3 राइट एंगल्स भी हो गए और पूरे रिवॉल्यूशन का 3/4 पार्ट भी हो गया। अब हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 पे आते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द हॉर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। आपको फ्रैक्शन बताना है, वो भी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन का। क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई रिवॉल्यूशन इस साइड से हो रहा हो, जिस साइड से घड़ी की सुई चलती है, तो उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं, वो हमें बताना है कि वो कितना चलेगा। अब हम आते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो ये बता रहा है, जैसे आपने भी देखा था फ्रॉम 1 to 3, ऐसे ही ये बता रहा है फ्रॉम 3 to 9। अब हम एक क्लॉक ड्रॉ करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसका रिवॉल्यूशन कितना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये पार्ट है, जिसमें आप देख रहे हैं 3 to 9। अब देखिए, आपके पास एक और हैंड है, ये वाली,
हम इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। ये हॉर एंड है आपके पास 3, ये जा रही है 3 to 9, मतलब इसको रिवॉल्व करके यहाँ तक जाना है। तो ये रिवॉल्व करके इधर जा रही है, तो ये पूरे आपके रिवॉल्यूशन का कितना पार्ट हो गया, 1/2 पार्ट हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन। एंड इसके बाद आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ये 3 to 6 भी जा रही है और फिर 6 to 9 जा रही है, तो ये 2 राइट एंगल